गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव है और मैं आज लेनोवो के एट नोट के ऊपर रिव्यू देऊंगा। इसके नॉर्मली आपने फीचर्स वगैरह तो सब वीडियोस में देखे ही हैं, नॉर्मली वीडियोस आपके सब जगह हैं कि, और मोस्टली बताया गया है कि इसमें बैटरी बैकअप प्रॉब्लम थोड़ी सी है माइनर, और इसका ब्लर इमेज ड्यूअल कैमरा इफेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट इतना अच्छा नहीं है। बट इसके जो एक मेजर प्रॉब्लम है उस सिलसिले में किसी ने भी कोई भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें पहले नेटवर्क में हमेशा कम आ रहा है नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क फुल आ रहा है। और पहला नेटवर्क है LTE नेटवर्क यानी 4G यानी जियो, इसमें जियो सिम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, देखिए नेटवर्क हमेशा में कम हो रहा है और इसमें ये नेटवर्क प्रॉब्लम। ये मेरा सेकंड सेट है, फर्स्ट सेट मैंने मंगाया था उसमें भी सेम ये प्रॉब्लम आ रही थी और वो रिफंड हुआ। इस सेट में भी वही प्रॉब्लम आ रही है और जैसा कि मैंने लेनोवो कॉल किया उनको भी ये आइडिया इतना नहीं है। वो कहते हैं कि आप रीसेट सेटिंग कर दिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, आप इजीली देख सकते हैं नेटवर्क में प्रॉब्लम। और सेम टाइम में मैं MI यूज़ कर रहा हूँ, रेडमी और ओप्पो, उसमें भी नेटवर्क फुल आते हैं लेकिन इसमें नेटवर्क का डाउनेशन हमेशा बना रहता है। ये देखिए इसे, उसकी सेटिंग देखते हैं। अच्छा, रीसेट सेटिंग जैसा कि मुझे बताया गया था, मोड में गए, नेटवर्क रीसेट, ये रीसेट, देखिए नेटवर्क रीसेट कर दिया। इसके बाद भी देखिए वाईफाई तो ऑन हो गया लेकिन इसको ऑफ कर देंगे। देखिए नेटवर्क देखिए कितना कम हो गया है, नेटवर्क की प्रॉब्लम इसमें स्टिल बनी हुई है। और अगर सेटिंग में जाएं तो और सेटिंग देखें, अच्छा सेलुलर नेटवर्क में जाएं, LTE नेटवर्क जो कि रिकमेंडेड लगा हुआ है, एक्सेस पॉइंट नेम में जाते हैं, जियो नेटवर्क बीरर में जाते हैं जहाँ LTE लगा देते हैं, ओके एंड नथिंग ऑप्शन में जाते हैं, सेव कर देते हैं। कोई इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई नेटवर्क में। सो जो भी ये सेट ले रहे हैं कृपया इस पर ध्यान दें। जैसा कि मैंने अमेजन के CEO को भी मेंशन किया था कि कृपया करके इस स्लॉट को वापस भेजें और न्यू स्लॉट लेनोवो से कहिए और इस स्लॉट की प्रॉब्लम दूर करवाएं। So thank you friends, keep watching and subscribe my channels. Have a good day.